दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, सेशन 17-20 के और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आया हुआ है। जितने भी सेशन 17-20 पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, जी हाँ, आप लोगों का परीक्षा डेट और टाइम जारी हो चुका है और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। सो दोस्तों जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और चैनल पे जितने भी न्यू यूजर है सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए। इसी तरह का मैं यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आप लोग के लिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं कंप्लीट कि आप लोगों का जितने भी सेशन 17-20 के स्टूडेंट हैं पार्ट 3 का आप लोगों का परीक्षा डेट कब जारी हुआ है, कब से आप लोगों का परीक्षा होगा, सारा कुछ जानकारी इसमें दूंगा, ठीक है? और आपको बता दूं यदि अगर आप किसी अदरवाइज सेशन के हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, तो ठीक है। चलिए आप लोगों को बताया जाए पूरी इन्फॉर्मेशन। 1 दिसंबर से होगा आप लोगों का परीक्षा पार्ट, जी हाँ दोस्तों 1 दिसंबर से होगा स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा। सभी लोगों के लिए पहले ही इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि 1 दिसंबर से आप लोगों का पार्ट 3 का परीक्षा होगा। जी हाँ दोस्तों ये बड़ी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है जितने भी सेशन 17-20 के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज के हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी सेशन 17-20 के स्टूडेंट्स हैं हम और आप मिलकर हर स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता है कि अगर एक से एक अगर हम लोग मिल जाए तो सभी स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर लेंगे, और हेल्प करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट को ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सभी लोगों को आप भी शेयर करिएगा, मैं भी करूंगा। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। यहां पर आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आया हुआ है। मगध विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट 3 17-20 की परीक्षा 1 दिसंबर से होगी, जी हाँ दोस्तों। और परीक्षा कार्यक्रम भी, जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है स्नातक ऑनर्स की परीक्षा 10 दिसंबर तक 2 सत्रों में होगी। यह बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी कि ऑनर्स की परीक्षा जो है 10 दिसंबर तक 2 सत्रों में होगी। आप लोगों को यह भी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसी के साथ पार्ट 3 की सामान्य पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी 11 से 14 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों सभी लोगों के लिए सामान्य परीक्षा होगा आप लोगों का 11 से 14 दिसंबर तक, यह बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। साथ ही साथ प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय के दफ्तरी हुए सत्रों के नियमित करना जो प्राथमिकताएं हैं आप लोगों को बता दी जाएगी, इसलिए अभी सभी लंबित परीक्षा ली जाएगी व निर्धारित अवधि में रिजल्ट जारी होगा, ठीक है? परीक्षा के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बात मेरी समझ में आ रही है तो बोलिए कमेंट बॉक्स में यस, ठीक है? तो चलिए आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन और भी बता दूं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को यह भी बता दिया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और थर्मल जो स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब आप लोगों का वहां पर चेक भी किया जाएगा तभी आप लोगों का परीक्षा हॉल में परीक्षा आप लोग दे सकते हैं, ठीक है? ये बड़ी इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ प्रवेश दी जाएगी। परीक्षा संचालन को लेकर केंद्र सरकार UGC द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है? चलिए और भी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे मैंने कहा आपको पूरा अंत तक बने रहना है इस वीडियो को, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा। तो स्नातक पार्ट 3 के सभी विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। सभी लोगों को ध्यान से सुन लीजिए, स्नातक पार्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में फिजिक्स, इतिहास और इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टेटिस्टिक्स जो है LSW, रूल्स जो इकोनॉमिक्स, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो स्टडी जो लोक प्रशासन संगीत है। दूसरे ग्रुप में राजनीति शास्त्र है, गणित व समाज शास्त्र है और रखा गया है, ठीक है? और गणित व समाज शास्त्र को रखा गया है। तीसरे ग्रुप में बाटनी, जुलाजी, कॉमर्स, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्राचीन और इतिहास, दर्शन शास्त्र व केमिस्ट्री है। अंतिम चौथे ग्रुप में है भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मगही और अरबी, मैथिली और पाली, प्रशियन, बंगाल, भोजपुरी, अप्राकृतिक व संस्कृत है, ठीक है? चौथे ग्रुप में परीक्षा 2 सत्रों व पूर्वा में होगा, ठीक है? आप लोगों को बता दूं, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए दोस्तों। इस बार आपको बता दूं कि 10 बजे से लेकर 12 बजे और दूसरे प्रवाह में दूसरे पाली में आपका होगा परीक्षा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है?
टाइम भी आपको बता रहा हूँ, डेट भी बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और दूसरे प्रवाह में होगा 2 बजे से लेके 4 बजे तक। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन, यहीं तक आप लोगों का वीडियो था और यहीं तक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी था। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को अपडेट भी अपडेट करता रहूंगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी सेशन के है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा, और सभी सेशन के स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिएगा भी, और सब्सक्राइब बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा कि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए यार ऐसी वेस्ट वेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और हम आप मिलके जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कहा आपको कि शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। मतलब हर छात्रों की हेल्प जरूर करिएगा आप लोग, जहां जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हैं आप लोग तो वीडियो पे, जैसे कि फेसबुक आपके मोबाइल फोन में तो फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप तो आप चलाते ही होंगे, या मान के चलिए आप ट्विटर, तो कोई भी एप्लीकेशन चलाते होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फेसबुक तो आमतौर पर सभी स्टूडेंट चलाते हैं, तो फेसबुक पर डाल दीजिएगा वीडियो डाल देंगे तो सभी छात्रों को मालूम चल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूं, शेयर कर देता हूं सभी स्टूडेंट्स को, आप भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।